फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे 23 जून के SBI क्लर्क एग्जाम के इंग्लिश के क्वेश्चंस, और पूरा सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें और एंड तक देखें, इसको बीच में स्किप ना करें। इंग्लिश एडवांटेज चैनल की तरफ से सभी स्टूडेंट्स के लिए और हमारे सभी सब्सक्राइबर्स की तरफ से ये ऑफर चल रहा है, और ये ऑफर केवल और केवल 30 जून 2018 तक ही वैलिड रहेगा। इसमें सभी ई कोर्सेज पर आप 1000 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हैं, और किसी भी ई कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लिंक में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए रहते हैं वहाँ से इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे नंबर और व्हाट्सएप नंबर सारे दिए हैं, इनके रिगार्डिंग भी आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए ये क्वेश्चन मुझे मिले हैं और 23 जून को किसी शिफ्ट में मिले हैं मुझे, और एक वीडियो में 10 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और इस तरीके से एक वीडियो 10 क्वेश्चन का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो उसको भी आप देख लें। और ये पार्ट 2 है और हिंदी में रहेगा ये, ठीक है। तो इसमें मैं सारा आपको बताऊंगा किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, और ये सारे क्वेश्चन इसमें से 90% क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपने ई कोर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यूट्यूब पर भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन डाले हैं इस तरह के। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए अब हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 11 को देखते हैं हम। द अथॉरिटीज़ डिसाइडेड टू कंबर विथ माई प्रोजेक्ट by not allocating sufficient funds। मतलब जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट को कम्बर करने की कोशिश की। किस तरीके से कम्बर करने की कोशिश की कि उन्होंने सफिशियंट फंड, मतलब पर्याप्त पैसा मुझे एलोकेट नहीं किया। ऐसा करते हुए उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट को कम्बर विथ करने की कोशिश की। अब इस ये जो idiomatic expression दिया है, ये जो phrase यहाँ पर दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको इन पाँच options में से आपको बताना है, ठीक है। तो एक इसमें दिया है पोस्टपोन, एक दिया है हिंडर, एक दिया है डिस्ट्रॉय, टर्मिनेट और कर्व। कर्व का अर्थ होता है डिस्करेज करना, किसी चीज़ को डिस्करेज करना, तो ये भी काफ़ी क्लोज ऑप्शन है। टर्मिनेट करना मतलब बंद कर देना, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर देना, पोस्टपोन करना मतलब डिले कर देना। अब देखिए यहाँ पर कम्बर के साथ विद लगा है और हिंडर के साथ भी विद आता है, हैम्पर के साथ भी विद आता है। हैम्पर करना या हिंडर करना, किसी चीज़ को रोक देना या किसी चीज़ में अड़चन डालना, ठीक है, ऑब्स्टेकल क्रिएट करना। सो दैट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ हिंडर और हैम्पर और कम्बर विथ। तो कम्बर विथ का राइट जो आंसर होगा इसमें वो होगा हिंडर। हालांकि काफ़ी स्टूडेंट ने इसमें कर्व भी लगाया होगा, क्योंकि कर्व काफ़ी क्लोज है और बैंकिंग एग्जाम में जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो काफ़ी क्लोज आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी हिंडर। हैम्पर भी हो सकता है और हिंडर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यू शुड मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ द मैटर टू समवन। देखिए यदि आपको इसका मतलब भी नहीं पता, मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ द मैटर टू समवन, तो इसका मतलब आप निकाल सकते हैं कि मैटर यानी कोई भी चीज़ की बात, कोई भी इशू है, कोई भी मुद्दा है, उसको आपको दूसरे को बताना चाहिए। लेकिन इसके ऑप्शन देखिए, अपोलोजाइज यानी माफ़ी मांगना, हाइड मतलब छुपाना, रिग्रेट का अर्थ होता है पश्चाताप करना, कन्फेश का अर्थ होता है स्वीकार करना, एडमिट करना, इन्वेस्टिगेट करना, जाँच पड़ताल करना। तो मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ द मैटर टू समवन, मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ द मैटर टू समवन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को किसी व्यक्ति के सामने स्वीकार कर लेना, उसको एडमिट कर लेना या उसको कन्फेस कर लेना। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही हैज़ डेवलप्ड अ बैड हैबिट टू डिडल एवरीवन। एक वर्ड होता है फिडल, FIDDLE, जिसका मतलब होता है किसी इंस्ट्रूमेंट से छेड़छाड़ करना या उसको उसको उस तरीके से खेलना, उसको हम बोलते हैं फिडल, FIDDLE। फिडल अराउंड भी होता है, फिडल अराउंड मतलब ऐसे ही किसी 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 चीज़ से खेलते रहना या अपना टाइम पास करते रहना, उसको बोलते हैं फिडलिंग अराउंड। लेकिन डिडल का क्या मतलब है? डिडल का मतलब है किसी व्यक्ति को धोखा देना, चीट करना या उसको डिसीव करना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आपका ई, डिसीव। प्रैंक का मतलब भी हंसी मजाक करना, खेलना, रिडिक्यूल हंसी उड़ाना, इरिटेट। इरिटेट और एनॉय ये दोनों सेम वर्ड हैं, इरिटेट और एनॉय दोनों का ही सेम मीनिंग होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका डिसीव जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पर डायरेक्शंस भी आपको पढ़ना है, सभी बैंकिंग एग्जाम में आपको डायरेक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी आप किसी भी क्वेश्चन को सही तरीके से कर पाएंगे। मास्क्ड मैन, मास्क्ड मैन, ये एक मैन नहीं है, कई सारे मैन हैं क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है। मास्क्ड मैन आ सिक्योरिटी वैन ऑन द मोटरवे।
मतलब मास्क मैन ने, जो काफ़ी सारे लोग थे जो जिनके ऊपर मास्क लगा हुआ था, उन्होंने सिक्योरिटी वैन को क्या कर लिया, ठीक है? तो यदि आप कॉमन सेंस अप्लाई करें तो इसको आप सही कर सकते हैं। देखिए, हेल्ड फोर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में लगातार बोलते रहना, एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, ठीक है? हेल्ड अप का मतलब होता है डिले करना या किसी चीज़ को रोक लेना। हेल्ड ऑन का मतलब रुक जाना या वेट करना। और हेल्ड आउट का मतलब भी डिफेंड करना होता है। एक्चुअली कई सेंस निकलते हैं हेल्ड आउट के भी, लेकिन डिफेंड के सेंस में भी इसको हम यूज़ करते हैं। हेल्ड अप का मतलब होता है रोक लेना या किसी 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 गाड़ी को रोक के उसको लूट लेना, ठीक है? डिले करने के सेंस में भी हेल्ड अप यूज़ होता है वर्ड। जैसे आई वॉज हेल्ड अप इन ट्रैफिक, मतलब मैं ट्रैफिक में फंस गया था या रुक गया था। तो यहाँ पर आपका बी जो है वो सही आंसर यहाँ पर आपका होगा। हेल्ड अप का सेंस इसमें बिल्कुल सही निकल रहा है, बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर फिट नहीं हो रहे हैं। तो इसका आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द नॉइज ऑफ ड्रम बीट्स एंड फ्राइटेंड टाइगर, मतलब ड्रम बीट्स जो थे, जो ड्रम की बीट्स की जो आवाज़ थी, उसने टाइगर को क्या कर दिया? एक तो फ्राइटेंड कर दिया यानी डरा दिया। अब डराने से इक्विवेलेंट वर्ड आपको चाहिए क्योंकि ये वर्ड एंड से जुड़े हुए हैं। फ्राइटेन जो वर्ड है एंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर फ्राइटेन का इक्विवेलेंट वर्ड आपको चाहिए। फ्राइटेंड का अर्थ होता है डर जाना। अब यहाँ पर क्या है, परटेंड एक वर्ड दिया है। परटेंड का मतलब होता है किसी चीज़ से संबंधित होना, ठीक है? जैसे दिस वीडियो परटेन टू SBI क्लर्क एग्जाम। परटेन का मतलब होता है किसी चीज़ का किसी चीज़ से संबंधित होना, उसको हम बोलते हैं परटेन। परसिस्टेंट मतलब लगातार किसी काम को करते रहना। तो परटेन का भी यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनना, परसिस्टेंट का कोई सेंस नहीं बनना। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है परेशान हो जाना, एकदम से किसी चीज़ को देखना सुनना और उसी से परेशान हो जाना और डर जाना। तो यहाँ पर फ्राइटेंड के साथ परप्लेक्स एकदम सही यहाँ पर फिट हो रहा है। प्रिवेंट का मतलब होता है रोक लेना, किसी काम को करने से किसी व्यक्ति को रोक देना, उसको हम बोलते हैं प्रिवेंट। तो प्रिवेंट का सेंस इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि जो 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 टाइगर है उसको हम रोक नहीं रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? उसको हम किसी काम को करने से रोक नहीं रहे हैं क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रहा है। तो प्रिवेंट का भी यहाँ पर सेंस नहीं बनेगा और नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा इसमें। तो सही आंसर होगा इसमें परप्लेक्स्ड। जब उसने ड्रम बीट्स की आवाज़ सुनी नॉइज़ ने, तो एकदम परप्लेक्स हो गया, परेशान हो गया और उससे डर गया, वो फ्राइटेंड हो गया, ठीक है? तो परप्लेक्स जो है, सी जो है यहाँ पर एकदम सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इफ़ यू डू वेल इन दिस एग्जाम नेक्स्ट ईयर देन माई एफर्ट्स सक्सेसफुल। अब चूंकि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, चूंकि यहाँ पर हम नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर क्या है, फ्यूचर है। तो इसलिए फ्यूचर को देखते हुए यहाँ पर विल बी ही केवल सही आंसर आपका हो सकता है। वुड हैव बीन तो हैड के साथ आता है, वुड हैव बीन तो हैड तो इसमें है नहीं, तो वुड हैव बीन तो आएगा ही नहीं। और हैज़ बीन और हैव बीन ये प्रेजेंट टेंस में आते हैं, तो इसलिए केवल विल बी ही यहां पर आपका सही ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये मॉडल्स का क्वेश्चन है, ठीक है? ग्रामर का ही ये क्वेश्चन है। वी नॉट हरी, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। देखिए, यहां पर एक बारीक सा डिफरेंस है। यहां पर मस्ट नॉट भी आ सकता है और नीड नॉट भी आ सकता है, ठीक है? वुड का तो खैर कोई सेंस नहीं बनेगा, वी वुडंट हरी, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। चूंकि प्रेजेंट में बात हो रही है इसलिए वुड का यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनेगा, वुड एकदम गलत है। और वी शुड नॉट हरी, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। शुड आता है सजेशन के लिए, तो यहाँ पर हम सजेशन नहीं दे रहे हैं कि हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमारे पास सफिशेंट टाइम है। तो यहाँ पर हम सजेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो शुड का और वुड का तो कोई सेंस नहीं बन रहा यहाँ पर। इन दोनों में से मस्ट नॉट और नीड नॉट आ सकता है, लेकिन मस्ट नॉट हम कब लगाते हैं? मस्ट नॉट हम लगाते हैं प्रोहिबिशन के लिए, जब हम किसी चीज़ किसी व्यक्ति को कोई काम करने से मना करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि यू मस्ट नॉट क्रॉस द रेलवे ट्रैक, मतलब आपको रेलवे ट्रैक को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करना है, उसके लिए आपको अथॉरिटीज़ के द्वारा मना किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम मना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम ये बता रहे हैं कि लैक ऑफ नेसेसिटी बता रहे हैं कि आवश्यकता नहीं है किसी काम को करने की। लैक ऑफ नेसेसिटी यहाँ पर हम बता रहे हैं, और लैक ऑफ नेसेसिटी बताने के लिए जो सही मॉडल है वो है नीड नॉट। वी नीड नॉट हरी, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। हमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है
क्योंकि हमारे पास सफिशेंट टाइम है। तो काफ़ी स्टूडेंट इसमें मस्ट नॉट भी लगा के आए होंगे, कुछ ने शुड भी लगाया होगा, लेकिन ये ऑप्शन आपके गलत हैं। सही इसमें ऑप्शन होगा सी, वी नीड नॉट हरी, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। इस तरह से जो ग्रामर है, ग्रामर का इस समय काफ़ी रोल बढ़ता जा रहा है बैंकिंग एग्जाम्स में, और अपने ई कोर्सेज में मैं जो ग्रामर पढ़ाता हूँ बहुत डिटेल में और बहुत बारीकी से पढ़ाता हूँ। तो यदि स्टूडेंट्स कोई भी, यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हमारा ई कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, ही सेट अप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल वॉट। अब देखिए ये भी काफ़ी क्लोज है, काफ़ी क्लोज क्वेश्चन है ये। मतलब उसने ऐसे इंस्टीट्यूशंस को स्थापित किया जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेपुटेशन थी। तो यहाँ पर रेपुटेशन भी आ सकता है, ठीक है, और यहाँ पर रिनाउन का मतलब भी रेपुटेशन होता है, वो भी आ सकता है, लेकिन फेमस नहीं आ सकता, इंटरनेशनल फेमस का कोई सेंस नहीं बन रहा। तो यहाँ पर रेपुटेशन, रेप्यूट और रिनाउन तीनों ही वर्ड आ सकते हैं, लेकिन इसमें सही क्या होगा? देखिए रेपुटेशन वर्ड को हम नॉर्मली हम एंड में नहीं लगाते, ठीक है, और रिनाउन के साथ हम नॉर्मली ईडी फॉर्म यूज करते हैं, रिनाउंड, रिनाउंड टीचर, ठीक है, इस तरीके से। तो रिनाउन और रेपुटेशन वर्ड यहाँ पर सही नहीं होंगे। जिस तरह से जो फ्रेजेस में, जिन फ्रेजेस में ऑफ का प्रयोग होता है, जैसे ही इज़ द टीचर ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट, या कोई भी दिस इज़ द कंपनी ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट, तो इस तरह के फ्रेजेस में रेप्यूट वर्ड जो होता है वो सही होता है। यहाँ पर एक्चुअली इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इसके पीछे लॉजिक ना होते हुए एक 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 कन्वेंशन है कि इस तरह के फ्रेजेस में हम रेप्यूट वर्ड जो है वो ही यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें ऑफ आता है और इंटरनेशनल आता है। तो इस तरह के फ्रेजेस में हम रेप्यूट वर्ड जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं। हालांकि यहाँ पर रेपुटेशन और रिनाउन वर्ड भी आ सकते हैं, लेकिन रेप्यूट इसमें सबसे सही और सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा रेप्यूट, ही सेट अप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये क्या क्वेश्चन है, इसका डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। ये पूरा सेंटेंस जो है ये 5 पार्ट में डिवाइड है, और ये जो बोल्ड पार्ट है इससे आपको सेंटेंस को शुरू करना है, और पूरे सेंटेंस को सही सीक्वेंस में लाके एक सही सेंटेंस आपको बनाना है, और वो जो सही सीक्वेंस होगा वही आपका यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। क्रूजिंग इन द, क्रूजिंग का मतलब होता है नाव में सवार होना, उसको हम बोलते हैं क्रूज, जैसे होता है, जैसे टाइटेनिक था, ठीक है, तो क्रूज का मतलब नाव में सवार होकर सैर करना, उसको हम बोलते हैं क्रूजिंग, समुद्र में जाना, ठीक है। तो क्रूजिंग इन द, अब यहां पर यदि आप कॉमन सेंस लगाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा, क्रूजिंग इन द वॉट, किस चीज में सैर करना, ठीक है। तो इसके बाद केवल यही ऑप्शन आ सकता है, क्रूजिंग इन द ग्लास बॉटम्ड बोट, ठीक है, तो बी ही सबसे पहले आएगा, क्रूजिंग इन द ग्लास बॉटम्ड बोट, मतलब जिस समय हम ग्लास बॉटम्ड बोट में क्रूज कर रहे थे उस समय क्या हुआ, ठीक है। क्रूजिंग इन द ग्लास बॉटम्ड बोट वी कुड सी मैनी काइंड्स ऑफ फिश, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, क्रूजिंग इन द ग्लास बॉटम्ड बोट वी कुड सी, यानी सबसे पहले बी आएगा उसके बाद ए आएगा, यानी जो कॉम्बिनेशन का सेकेंड कॉम्बिनेशन के जो फर्स्ट टू लेटर्स होंगे वो बी और ए होंगे, और बी और ए केवल एक ही ऑप्शन में दिए हैं, इसलिए बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है, और सही आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 20th देखते हैं, डेविड इज स्ट्रॉलिंग अक्रॉस अ फील्ड वन सनी मॉर्निंग, ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में दिया है कि डेविड जो है वो स्ट्रॉलिंग कर रहा है, स्ट्रॉलिंग कर रहा है मतलब चहलकदमी कर रहा है, बड़े बड़े कदमों से वहां पर चहलकदमी कर रहा है, एक अक्रॉस ए फील्ड, फील्ड के साथ अक्रॉस लगाना सही है, वन सनी मॉर्निंग। तो ये जो सेंटेंस है इसका सीक्वेंस जो है वो ऑलरेडी करेक्ट है, और इसमें आपका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से ये सेकंड पार्ट था स्पीकर के एग्जाम का, इसमें मैंने 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, इससे प्रीवियस जो पार्ट था उसको भी आप देख लें, उसमें भी मैंने 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं 10 क्वेश्चन और आपका पैसेज जो है उसको एक्सप्लेन करूंगा, और 23 तारीख के और 24 तारीख के और 30 तारीख के जितने भी शिफ्ट के जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे मिल पाएंगे उन सभी क्वेश्चंस को मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब चैनल पर, अपने ई कोर्सेज में भी उनको अपलोड करूंगा, तो वहां पर भी इन वीडियो क्लासेस को आप देख सकते हैं। और यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे इस ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं, और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी इन क्वेश्चंस को आप मुझे भेज सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल का नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल।
तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।